विराट नसीब। अभी सोलर की पॉलिसी आप देखे, हर चीज पे कमीशन, हर चीज पे ब्यूरोक्रेसी का जो है कब्जा मुंतमी हुआ ना, वो ललक हो गया। हर एक जो है अपने हिस्से की इसको खा रहा है। तो लिहाजा ये जो चीरपाड़ है, ये जो मदामनी है, ये जो तवाइफुल मलूकी है, ये जो लाकानूनियत है, ये जो नाइंसाफी है, और ये जो एहतराम आदमीयत फमा हो रही है, थानेदार डंडा निकालता है, खराब करके मारता है, घरों से लोगों को कहते हैं भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है के लिए पाकिस्तान की आवाम का मुल्क है, जहां लिहाजा अगर अपने आपने पहचान लिए आप आर्टिकल 14 आईन का आपको एहतराम अहमियत का देता है, किसी पाकिस्तानी की कोई तौहीन नहीं होगी, कोई इदारा नहीं कर सकता है। आप देखे रोजाना जो है लोगों को वीडियो आती है, पुलिस वाले मारते हैं, रंजीते हैं, ये लोगों को घरों से अगवा किया जाता है। ये इस तरह तो नहीं है कि आईन में किताबों में जो लिखा हुआ है आप समझे कि भाई आपको खुली छूट मिली हुई है। तो लिहाजा ये 8 सितंबर का जत्था है, ये शुरुआत है। असल एहतजाज होगा बाजारों में, सड़कों पे, शहराओं पे और शहरों में, और लोग ताने दे रहे हैं। कल हनीफ आवासी साहब बता रहे थे कि वो तो बंगाली है, इधर पाकिस्तानी। तो लिहाजा हम बता देते हैं पाकिस्तानी एक कौम है, एक कश्मीरियों ने आपके छक्के छुड़ा दिए और आपने ललकारा है, लेकिन साबित करेंगे इस सितंबर ही में इंशाल्लाह खान की आजादी के लिए, मैंडेट की रिकवरी के लिए, आपके हकूक के असूल के लिए एहतजाज का ऐलान करेंगे। और सुनो, ये जो ताकत रखने वाले हकूमत के या ये जितने लोग हैं इनके सर पे सींग नहीं है, और ना ये ऐसी कुव्वतें हैं जिनको डर नहीं है। एक दफा डर को दिखा तो दोनों निकल जाओ ऐसे कि सैलाब उमड़ आए। अवाम जिस दिन पाकिस्तान के निकले, इस ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया और तमाम पियान को मेरान के डर के कहे कि आप मेरे साथ हिसाब करो, कौन होते हैं आप मेरे हकूक पामाल करने वाले, यकीन करें ये सारे आपके आगे सरबंदी होंगे। ये एहतजाज शुरू करेंगे। हमारी ये कोई फिक्र नहीं है कि हमसे कोई कारखाने कोई कारोबार रह जाएंगे। हम इस मुल्क में आपके हकूक की जंग जो है इसको चलाएंगे, और नजरें कौम की तरफ होगी मुझे उम्मीद जरूर है। वो तो कहते ना कि जमीन जुम्बद न जुम्बद, गुल मोहम्मद न जुम्बद, कोई आए या ना आए पश्तूनों मुझे पता है तुम लोग जरूर आओगे। इस तमाम बातों के साथ अपने दोस्त के कारोबार के लिए इंतहाई नेक दुआएं, और माशाल्लाह बड़े मुतशर्रा और एक ऐसे इंसान है गरीबों की मदद करने वाले, और अल्लाह इसका कामयाब जो है वो कारोबार कामयाब करे और मजीद जो है इलाके के लोग इनकी खिदमत से मुस्तफीद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।